हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइल में लोकेटेड बहुत ही बेहतरीन और बेहद खूबसूरत लेक्स, जो कि आज से लगभग 3 लाख साल पहले वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण अपने आप बन गई थी। दोस्तों, इस लेक का नाम है ब्लू लेक, या फिर इसको टिकी टापू के नाम से भी जानते हैं। इसका पानी इतना साफ है, नाइस और सनी डे में आप इसका बॉटम लेवल तक देख सकते हो विद ओपन आईज। रोहतरा से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर ये लेक है और इसका सरफेस एरिया लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है और इसकी गहराई, जो मैक्सिमम गहराई है, वो 27 से 30 मीटर तक है। हर साल इस लेक में स्विमिंग कंपटीशन होते हैं, क्योंकि इसका पानी बहुत साफ है, इसलिए इट्स रिकमेंडेड अगर आपको स्विमिंग का शौक है तो आप लेक में स्विम कर सकते हैं। इट्स रियली गुड, बहुत ज़्यादा एकदम डीप नहीं है, सो इट्स गुड फॉर किड्स एज वेल। जैसा कि मैंने कहा कि ये लेक बहुत ही साफ है, तो आप इसके अंदर स्विमिंग कर सकते हो, फिशिंग भी कर सकते हो, कायक भी चला सकते हो, जेट्स की भी चला सकते हो, बोटिंग भी कर सकते हो। बट हर एक लेक पे इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरफ आप स्विमिंग कर सकते हो, किस तरफ नहीं कर सकते। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑलवेज मेक श्योर, अगर आप न्यूजीलैंड में किसी भी लेक पर जाते हैं और उसके आसपास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको पढ़ें और उसको फॉलो करें। इस लेक के आसपास एक बहुत ही सुंदर वॉक है जिसको 1 से 1.5 घंटे में कवर किया जा सकता है। इस लेक के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि इसके अंदर एक मावरी प्रिंसेस का ऑर्नामेंट नेकलेस, जो कि ग्रीन स्टोन से बना हुआ, जिसकी कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख डॉलर है, वो इसके अंदर गिर गया था, जो कि आज तक नहीं मिला। अगर आप चाहें तो अपना लक आजमा सकते हैं, उसको ढूंढने वाले को बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरी लेक की तरफ जिसका नाम ग्रीन लेक है। अब हम जा रहे हैं उस लुकआउट की तरफ जहां से हम ग्रीन लेक और ब्लू लेक दोनों का एक आउटस्टैंडिंग व्यू देख सकते हैं। दोस्तों, ये है ब्लू लेक और इसके जस्ट दूसरी तरफ है ग्रीन लेक। ग्रीन लेक एज कंपेयर टू ब्लू लेक साइज में बड़ी है, पर ये प्राइवेटली ओन्ड है और इसके बीच में या इसके पास जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि यहाँ के जो नेटिव लोग हैं मावरीज, वो इसकी पूजा करते हैं। तो पहले इसके आसपास वॉकिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक थे, बट दिसंबर 2019 आई थिंक
कोई ओवरसीज टूरिस्ट इसके अंदर स्विम करने लग गए विदाउट रीडिंग एनी इंफॉर्मेशन और एनीथिंग, तो उसके कारण जो है वो जो इसके जो ओनर्स हैं वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने वो जो माउंटेन बाइकिंग ट्रेल्स एंड वॉकिंग ट्रेल्स वो सब कुछ बंद कर दिया। तो अब आप इसको सिर्फ दूर से देख सकते हो, इसके पास नहीं जा सकते। एंड हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लू लेक एंड ग्रीन लेक। ये जो ग्रीन लेक है वो रोहतरुआ से लगभग 9 या 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और इसका सरफेस एरिया लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास है। इसका डीपेस्ट पॉइंट 32 मीटर है और इसको लेक रोहतरुआ ही के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों लेक के आसपास और भी बहुत सारी लेक्स हैं बट उनको देखने के लिए आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इसके आसपास दो और लेक दिखाऊंगा जो कि आपस में बहुत पास हैं और ये चारों लेक्स जो हैं ऑक्टेना कैलरा के अंदर आती हैं। चलो तो दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरी लेक की तरफ जिसको लेक टारावेरा के नाम से जानते हैं जो कि माउंट टारावेरा के बिल्कुल पास है। और ये जो जगह है वो एक लुकआउट है जो टारावेरा लेक से पहले राइट हैंड साइड पे आएगी और यहाँ से आप टारावेरा लेक का एक बहुत ही सुंदर व्यू देख सकते हो। और वो पीछे डिस्टेंस पे आपको माउंट टारावेरा भी नज़र आएगा। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हो लेक टारावेरा के आसपास बहुत सारे लोग भी रहते हैं। जो न्यूजीलैंड के शांति प्रिय लोग जो होते हैं, शांति पसंद लोग, वो ज़्यादातर ऐसी लेक के आसपास ही रहते हैं जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। लो जी दोस्तों अब हम आगे हैं लेक टारावेरा पे। इन साइड में अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और आपको इसका व्यू दिखाएंगे। लो जी दोस्तों अब हम आ गए हैं लेक टारावेरा पे जो कि रोहतरुआ से लगभग 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। न्यूजीलैंड की लार्जेस्ट लेक में से एक है। ये लेक जिसका नाम टारावेरा है लगभग 7000 साल पुरानी है और इसका निर्माण भी वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण ही हुआ था। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो अराउंड 87.5 मीटर है और इसका सरफेस एरिया 41 किलोमीटर है। और जो सामने आप देख पा रहे हैं वो माउंट टारावेरा है। ब्लू लेक जितनी साफ तो नहीं है बट स्टिल इज रियली क्लीन
और आप इसमें स्विमिंग कर सकते हो, बोटिंग भी कर सकते हो एंड फिशिंग भी कर सकते हो। और इस लेक पे भी आप देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर छोटा सा बीच है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। ये लेक जो है एकदम डीप नहीं है, सो इवन किड्स कैन एंजॉय। तो चलिए अब हम चलते हैं इस वीडियो की फोर्थ एंड लास्ट लेक की तरफ, जो कि लेक टारावेरा से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे है और ब्लू लेक से इट्स जस्ट 5 to 10 मिनट्स ड्राइव। दोस्तों ये है लेक ओकारेका। ओकारेका मीन्स द लेक ऑफ स्वीट फूड्स। पुराने टाइम में लोग इसके आसपास स्वीट पोटैटोज लगाया करते थे, जिसको कुमरा के नाम से भी जानते हैं, और हमारे इंडिया में आई थिंक उसको शक्करकंदी के नाम से, जो वो वेजिटेबल मिलती है उसको यहाँ पे स्वीट पोटैटो बोलते हैं, वो इसके आसपास लगाते थे, इसलिए इस लेक को लोग जो है लेक ओकारेका के नाम से जानते हैं। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो लगभग 34 मीटर है और इसका जो एरिया है वो लगभग 3.5 किलोमीटर का है सरफेस एरिया इसका। और ऐसा भी कहते हैं कि ये जो लेक है वो लेक टारावेरा से अंडरग्राउंड चैनल के थ्रू कनेक्टेड है, मे बी इनका जो लेवल जो हमेशा सेम रहता है। और इस लेक में भी आप स्विम कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, फिशिंग भी कर सकते हो। और रोतरुआ से ये लगभग 13 या 14 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके आसपास भी लोग रहते हैं जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हो। ये बहुत एक अच्छा स्पॉट है अपना डे स्पेंड करने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कीजिए ताकि आपको मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।